आज हमारे साथ है खास मेहमान उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी। इनका राजनीतिक भ्रमण बताते हैं, बहुत लंबा कालखंड है राजनीति की, सक्रिय राजनीति का। आप 6 बार सांसद रहे हैं, 5 बार लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा से, और मथुरा से सांसद रहे हैं, फरीदाबाद से सांसद रहे, मौजूदा में उन्नाव लोकसभा सीट से सांसद है। अभी तक के रिकॉर्ड मतों से आज़ादी के बाद से जब तक ये चुनाव हुए हैं, जब भी चुनाव हुए हैं, उससे ज़्यादा वोटों से आपने उन्नाव लोकसभा सीट की जीत हासिल की है। तमाम मसलों पे आज हम बात करेंगे साक्षी महाराज जी महाराज से। महाराज जी बताइए कि एक साधु के रूप में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि काशी और अयोध्या का लगभग मामला सुलझ गया है, काशी का जो भी मामला है तो वो कोर्ट से थोड़ा बहुत सुलझेगा या जैसी भी हिंदू सरकार आएंगे वो करेंगे, लेकिन आप चूँकि राम मंदिर आंदोलन में आपने लीड रोल अदा किया था और इसको लेकर के आपने राजनीति भी की है, तो महाराज जी क्या इसमें चूँकि गणेश जी मैं राम मंदिर के कारण ही इस नारे के साथ मैंने राजनीति में प्रवेश किया था कि राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मैं पहले मंदिर आंदोलन से जुड़ा जी। और जब मंदिर आंदोलन से जुड़ा उस समय मथुरा में और अयोध्या में और काशी में बीजेपी के MP भी नहीं थे, तो फिर आप जैसे पत्रकार हम लोग को बात करने से भी टोकते थे कि पहले अपने MP तो बना लो, यहाँ अयोध्या में मित्र सेन यादव MP कम्युनिस्ट पार्टी के हुआ करते थे, बोले यहाँ की जनता तो कम्युनिस्ट है। तो फिर ये तय हुआ संगठन के द्वारा कि कम से कम अयोध्या मथुरा काशी 3 जगह MP हों, तो मुझे मथुरा सौंपी गई, विनय कटियार को अयोध्या सौंपी गई और श्रीचंद दीक्षित जी को काशी सौंपा गया जी। वहाँ से हम लोग निकल करके आए, बिल्कुल, तो जो स्थितियां देश की बनी कांग्रेस शासन में, तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिस लक्ष्य को लेके हम चल रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा हुई, जनता का आशीर्वाद मिला, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी गृहमंत्री बने, और एक ऐसा असंभव संभव हो गया, सुप्रीम कोर्ट का भी मन बदला और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले को निस्तारित किया और आज विश्व का सबसे बड़ा भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, और मोदी जी ने तो कमाल ही कर दिया, किसी को पता ही नहीं चलने दिया, और काशी कोरिडोर विश्वनाथ कोरिडोर और काशी का विश्वनाथ मंदिर में खुद देखने गया, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरी गाड़ी तो गेट के अंदर चली गई और मैंने कहा यहाँ तो पैदल भी नहीं आते थे, और आज ये इतनी सुंदर स्थिति बन गई। तो कुल मिलाकर के ये जो सरकार है तो ये सरकार उस हिंदुत्ववादी है जिसका मानना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भावयेत्। तभी उन्होंने एक मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और अब साथ में सबका प्रयास। तो ये बहुत बड़ा काम है जो कुछ हुआ है अयोध्या और काशी को लेकर के, या संभावना हो सकती है मथुरा को लेकर के, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और सबसे बड़ी बात मनीष जी, कहीं तिनका तक नहीं हिला, लोग कहते हैं खून की नदियां बह जाएंगी, एक कतरा खून का कम से कम नहीं गिरा। तो जो हिंदू और मुसलमान में सहृदयता और भाईचारा प्रेम जागृत हुआ है, तो आज की स्थिति में मोदी के साथ हिंदू अलग कहता है कि मोदी के साथ मोदी चिल्लाता है, लेकिन मुसलमान ही मोदी मोदी चिल्ला रहा है, इससे सारे का सारा विपक्ष खिसिया गया है, उतावला हो गया है, तरह तरह की बातें विभिन्न गालियों पर लोग उतर आए हैं सिद्धू जैसे लोग, तो ये उचित नहीं है, लेकिन इस समय देश अच्छे ढर्रे पर चल रहा है। मैं एक राजनेता और साधु से दोनों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मथुरा का कैसे करेंगे उद्धार, मथुरा दिए भी जो जो उसकी गुलामी के प्रतीक है, जैसे कि आप लोग देखिए बिना हमारे बिना प्रयास के बड़ी संख्या में मुसलमान घर वापसी करने लगे हैं। आप ये नोट कर लीजिए कि हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान का DNA अरब का नहीं है, वो कभी कभी हिंदू ही था, तो लोग अपने आप सोचने लगे हैं, जब वहाँ पर अयोध्या वाला मामला हुआ तो सबसे पहले सहयोग तो मुसलमान ने किया, तो मुझे समय आएगा और मुझे लगता है कि मथुरा मामले में मुसलमान स्वयं आगे आएंगे। और उस मामले में सालों में आप देखते हैं कि मुक्त हो जाएगी और एक भव्य दिव्य जन्मभूमि, अब कितने सालों में, बहुत लंबा साल नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि 2024 से पहले या 24 के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, इसका निस्तारण हो जाएगा कोर्ट से कि सरकार के द्वारा। आपसी सौहार्द से जब कुछ नहीं होता है तो मामला कोर्ट में जाता है, मुझे लगता है आपसी सौहार्द से इसका निस्तारण होगा। अभी आपने कहा कि विनय कटियार भी आंदोलन को लीड कर रहे थे,
तो आज भी कटिहार नेपथ्य में है, इस विषय में आपका क्या? नेपथ्य में नहीं, अयोध्या में उनका काम हो गया, हमारा भी काम हो गया, हमें भी नेपथ्य में चला जाना चाहिए। हम लोग अयोध्या को लेकर के, मंदिर को लेकर, जिस काम को लेकर आए थे, हमारा काम हो गया। साधु का काम राजनीति करना तो है नहीं, लेकिन केवल इन्हीं बिंदुओं को लेकर राजनीति में आए थे। अब पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यकता होगी, पार्टी हमारा उपयोग करे तो ठीक है, करे ना करे तो हमें पार्टी से कोई शिकायत नहीं। पार्टी ने जितना दिया उतना बहुत दिया, पार्टी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी ने जितना किया, जिन बातों को लेके हम आए, नहीं तो लो लो राम के नाम पर बाबा भी MP बन गए, राम का मंदिर तो नहीं बनाएंगे ये, लेकिन अब राम का मंदिर भी भव्य और दिव्य, बाबा विश्वनाथ का मंदिर भव्य और दिव्य, तो ये जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है इसके कारण हमारा जो काम था वो पूरा हो गया। एक राजनेता के मन में ये कभी बात नहीं आती, राजनेता साक्षी के मन में, कि 5 बार MP रहे, 6 बार MP रहे और कुछ बड़ा डेकोरम और बड़ा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन। मनीष जी, ऐसा कुछ मन में राजनेता को नहीं लगता? मनीष जी, आप हमसे बहुत परिचित हैं। हिंदुस्तान में शंकराचार्य के समकक्ष आचार्य महामंडलेश्वर का पद होता है, और 5-6 आचार्य मंडलेश्वर हिंदुस्तान में केवल हैं। मैं श्री निर्मल पंचायत अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, तो ये जो 6 बार का MP का पद है वो मेरे लिए बहुत छोटा है। तो मंच से खुले में कहता हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, मैं एक्सीडेंटली दुर्भाग्य से राजनीति में हूँ। राजनीति मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म आध्यात्मिक है मेरा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ जिसका लक्ष्य है एकात्म मानववाद, अंत्योदय। एकात्म मानववाद चारों वेदों का निचोड़ है, जो हमने वेदों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है। तो हमारी पार्टी एकात्म मानववाद पर टिकी हुई है, अंत्योदय पर टिकी हुई है। ये दोनों ही वेद शास्त्रों के 18 पुराण का निचोड़ है। तो मुझे यहाँ ये नहीं लगता कि मैं राजनीति में हूँ। मुझे लगता है मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे मन में कभी नहीं आता कि मैं इतना वरिष्ठ हूँ, सीनियर हूँ, इतने वोटों से जीता हूँ, 6 बार का सांसद हूँ, तो मुझे भारी भरकम मंत्रालय मिलना चाहिए, कुछ नहीं। ये तो मोदी जी का, प्रधानमंत्री का अपना अधिकार है, वो जिसे बनाए, मुझे जो आदेश देंगे। मैंने आपका निर्विकार रूप भी देखने को मिला था, एक चुनाव में आप चुनाव लड़े थे विधानसभा का, और आप हमसे हम कवर कर रहे थे उस समय, तो आप उसमें फिर चले गए उस प्रचार के दौरान ही, और कथा आपने देखा, फोटो देखी आपकी, कथा पढ़ रहे थे। असल में मेरी 121 भागवत वृंदावन में थी, और मैं व्यासपीठ विद्वान था। पार्टी ने जबरदस्ती मुझे विधायक का टिकट दिया, मैं लड़ना नहीं चाहता था, तो मैं मंच उसे, मुझे कथा भी संभालनी थी, यहाँ भी लड़ना था। पार्टी ने कहा आपके लड़ने से आज आगे पीछे की 10-20 सीटों में प्रभाव पड़ जाएगा, लड़ लीजिए। तो पार्टी के निर्देश पर मैं वो चुनाव लड़ा था, पर आपने सही देखा कि मैं अगर सुबह प्रचार कर रहा हूँ तो शाम को मंच पर भागवत बांट रहा था। तो आप कितनी सीटें, आपको क्या लगता है, घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में, विपक्ष को दे रहा है? जो स्थिति में देख रहा हूं, मुझे लगता है कि हम अपने आकलन के अनुसार 300 पार तो जाएंगे ही, और जनता ने मन बना लिया तो 1917 का आंकड़ा भी जनता पार करा सकती है। क्योंकि जो अफवाहें उड़ रही हैं पश्चिम को लेकर, पूर्व को लेकर, वो सारी की सारी अफवाहें निराधार हैं। क्योंकि मैं महीना में कम से कम 2 बार वो जाट गुजर बेल्ट से निकल के हरिद्वार को निकलता हूँ, मेरा उठना बैठना है। तो पश्चिम में हम कहीं नहीं हार रहे, सब जगह जीत के आ रहे हैं, पूर्व में भी हम जीत रहे हैं, और बीच में तो हमें, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई नुकसान होने वाला है। और ब्राह्मणों को लेकर के कुछ लोग वैसे ही विवाद खड़ा करते हैं, लेकिन ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी समझदार कौम है, वो कभी भी राष्ट्र के साथ धोखा नहीं कर सकते। इस्लामिक आतंकवाद का कभी देखने को मिलता है अफगानिस्तान में, यहाँ भी देखता, PFI सक्रिय रहती है। देखिए इस्लाम आतंकवाद से सारा विश्व तबाह है जी। सोल्यूशन क्या है उसका, समाधान? और उसके कारण आज तक लगभग 34-35 लाख मुसलमानों का कत्ल हो चुका है। बजरंग दल, VHP और साक्षी महाराज ने एक मुसलमान का कत्ल नहीं किया, मुसलमान है मुसलमान कत्ल किया। हुसैन को हमने थोड़ा ही मारा था, लोगों ने कुरान के आए थे पढ़ के हुसैन का कत्ल किया था। तो इसका इलाज मुसलमान स्वयं सोचने लगा है कि ये लोग भाई आते हैं, केवल देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमान अब धीरे 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 4-5 हजार मुसलमान तो लाने में लगा है घर वापसी में। अब वो मुसलमान जो कट्टर है उनको ये समझाना पड़ रहा है, इधर इनको समझाओ, ये सिया मुसलमानों के चक्कर में ना है, उनके बेकाबू नहीं है। तो ये इसका पूरे विश्व को इस्लाम कट्टरवाद, इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये बहुत सारे विश्व के लिए खतरा है। मानव का जीवन
अमूल्य है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर उसको समाप्त करने के लिए कोई संस्था चलाता है, कोई कृत्य करता है, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। अपराध करने वालों के खिलाफ सारे विश्व को इकट्ठा होकर कार्रवाई करनी चाहिए। ईसाई मिशनरियां भी खूब कन्वर्जन कराया है, 4% हो गए, बहुत ज्यादा उनकी। बिल्कुल ठीक है, वो भी वो मीठा जहर है, ये कड़वा जहर है, लेकिन वो मीठा जहर है। उसके लिए भी पार्टी और संगठन सब लोग जागृत हैं। आप चिंता मत करिए, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है जाने दुश्मन ये जमाना सारा, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं है हमारी हस्ती मिटने का। अब तो प्रवास सब ठीक होने वाला है, लोग जितने आए सब चले जाएंगे। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप सूर्यमल के नाम पर एक अच्छी सी पुस्तिका का प्रकाशन करा रहे हैं। आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में सूरजमल जी के, महाराजा सूर्यमल के नाम से यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है, पूजन किया है भूमिका वहाँ पर। तो कहाँ अलीगढ़, कहाँ राजा सूरजमल, और कहाँ दिव्यापुर में मनीष त्रिपाठी। अगर सूरजमल पर कोई बढ़िया सी पुस्तक लिख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।